हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाई की गोट लवर। दोस्तों, आज मैं हूँ राहत गोट फार्म पर और अभी हमारे साथ मौजूद है सोहेल भाई। सोहेल भाई सोहेल भाई, माशाल्लाह काफी अच्छे बोलूंगा मैं बकरे इस वीडियो में देखने मिलेंगे व्यूअर्स में ना। जी भाई, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जी भाई, इंशाल्लाह बहुत नायाब नायाब चीज देखने मिलेंगी। जी सोहेल भाई, टोटल कितने बकरे दिखाएंगे आप? टोटल भाई वीडियो में पांच बकरे और पांचों भी भाई एक ऐसे समझो कि सब टोटल बालों में। हाँ, ये मतलब समझो कि बाल वाला वीडियो है। एंटिक एक्सोटिक बकरे, एंटिक एक्सोटिक सब। तो शुरुआत किससे करेंगे भाई? भाई शुरुआत करेंगे हम सिंधी से। सोहेल भाई, ये पहला बकरा निकाले आप? जी भाई, ये शायद पहले वीडियो में था, है ना? जी भाई, आया था, ये बकरा बिक भी गया था भाई। ये पोस्टर में ही बकरा बिका था, सामने कुछ मसला हो गया, बकरा ऐसे भी अपने चला गया था सामने वाले के पास। बकरा उसके पास कम से कम 10-15 दिन रहा। हाँ। तो कुछ मसला होने की वजह से बकरा अपने वापस ले लिए। अच्छा, ऐसा करते हैं आप? हाँ भाई, उनका कुछ थोड़ा मसला था पैसों का, तो अपन रिटर्न ले लिए भाई बकरा। ये काफी अच्छी बात है भाई, ये सुन के कि आप अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बकरा रिटर्न भी ले लेते हैं। जी भाई, बहुत अच्छी बात है भाई, माशाल्लाह। बताइए आप इसकी डिटेल बताइए फिर से एक बार भाई। ये आदन बच्चा है। आदन बच्चा है, 7-8 महीने का रहेंगे भाई ये। 7 से 8 महीने का रहेगा। जी भाई जी, ये जो आप जो ट्रेडर होते हैं ये आप अंदाजन बताते हैं ना? जी भाई, आप लोगों को तो पूरी प्रॉपर एज मालूम नहीं है क्योंकि आपने घर में पैदा नहीं हुआ। लास्ट टाइम के जितने वीडियो में था जो आपने घर का पैदा हुआ जानवर है, आप उनका पूरी डिटेल प्रॉपर देते। तो सोहेल भाई, ऐसा होता है कभी कि आप बकरा बेच देते तो 4 से 5 दिन में दांत लगा देते? नहीं नहीं भाई, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ भाई। हुआ नहीं है? नहीं नहीं भाई जी। ठीक है, तो ये कितना बोले? 7 से 8 महीने गए। 7 से 8 महीने गए। जी देखो ना भाई, दांत देखो ना इसके, एकदम बारीक है। दिखाइए दिखाइए जी, कभी छोड़ दाँतों में। वजन कितना होगा अंदाजे के लिए भाई? 25-30 किलो के आसपास रहेंगे भाई। 25 से 30 किलो। जी भाई, क्योंकि हेवी बकरा ही है। मगर भाई पिछली बार से बकरा अच्छा दिख रहा है। जी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई। पहले दुबला था काफी। हाँ भाई, अभी पेटी बेटी बाहर आ गई माशाल्लाह इसकी, और मेंटेन भी काफी अच्छा हो गया। जी भाई, तो पहले वाला दाम मांग रहे इसका? नहीं भाई, वो थोड़ा बड़ा के मिलेंगे क्योंकि अपन ने वापस लेके भाई थोड़ी मेहनत गई, टाइम गया अपना इसके पीछे। ठीक ठीक, मतलब ऐसे पूछा, कितना मांग रहे भाई इसका? भाई इसके अपन 17,000 बोल रहे हैं। 17,000 इसमें इंशाल्लाह अपन नेगोशिएबल कर देंगे। और एक बात पूछना चाहूंगा आपसे मैं, अभी बकरीद को तो काफी समय है। जी भाई, तो आप बकरा पाले भी करेंगे? जी इंशाल्लाह करेंगे भाई, अपना सेटअप चालू हो गया है रोडा में। इंशाल्लाह अपन एक कुछ दिनों में अपनी ओपनिंग भी है जी, इंशाल्लाह टाइम पे अपन पूरी डिटेल देंगे। तो ये इसके कितने पाले लेंगे अंदाजे के लिए? भाई अभी ये बच्चा आदन थे तो इसके अपन 2,500 रुपए लेंगे भाई। 2,500 रुपए लेंगे। जी भाई, और उसमें बकरा पूरा मेंटेन रहेगा? जी भाई, टोटल वैक्सीनेशन वगैरह सब कर देंगे भाई, बाल वगैरह पूरे खुले रहेंगे। जी भाई अल्हम्दुलिल्लाह जी। ठीक है, अगला बकरा निकाल दे। सोहेल भाई, अगला बकरा निकाले फिर से। जी भाई, ये सिंधी नस्ल में? जी भाई, ये व्हाइट सिंधी भाई। व्हाइट सिंधी भाई, काफी कम देखने मिलते हैं सिंधी व्हाइट। जी भाई, व्हाइट में आते भाई, पर देते नहीं लोग अक्सर ज्यादा व्हाइट। मार्केट में दिखते नहीं है बकरे। जी भाई, सिंधी में कलर वगैरह में ज्यादा रहता भाई। जी, वो बड़े होने का आदमी बेचते क्योंकि उसका पैसा थोड़ा ज्यादा आता है। जी भाई, ये कितने समय से आपके पास है भाई? भाई ये आके 15-20 दिन हो गए अपने पास। 15-20 दिन हो चुके? जी भाई। सोहेल भाई, आपकी खासियत रहती है माशाल्लाह, आप कम से कम 20-25 दिन। जी भाई, आपके पूरा जानवर सेट होता उसके अंदर बाद अपन जानवर सेल के लिए निकलते। जी बताइए डिटेल भाई। आदन बच्चा है, दिखाइए दादी भाई। देखिए भाई, गैप कर रहे हैं? जी भाई, हल्का सा कर रहा है, तो फिर भी 1 महीना भर है भाई दांत करने के लिए। अच्छा, रमजानों में दांत कर ले गए? जी भाई, रमजान में। बताइए हाइट कितनी होंगी अंदाजे के लिए? भाई इसके एक 32 रहेंगे, 32-33 रहेंगे। अच्छा, तो जो भी भाई हमारे लेने में इंटरेस्टेड है तो टेप से माप करके? जी भाई इंशाल्लाह दे दूंगा, हाइट का वीडियो दे दूंगा इसका, हाइट की, वजन की। हाँ, सब वीडियो मिल जाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा घुमा के दिखाइए, पूरा व्हाइट है भाई? जी भाई पूरा व्हाइट है भाई, सिर्फ थोड़ा गंदा हुआ है भाई, इसको हिलाए नहीं अपने क्योंकि क्लाइमेट अपने आगे कभी गर्म कभी ठंडा चालू है। जी, और कितना मांग रहे भाई इसका? भाई इसके 20,000। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? अभी आपने 17,000 बोले हो बकरे के, इसके 20 बोल रहे हैं, ऐसे क्यों? भाई बड़ा बकरा है ना उससे। अच्छा, ये उससे बड़ा है? जी भाई बड़ा बकरा है और वेट में भी अच्छा उससे। अच्छा, वेट में अच्छा। ये 35 लगभग होगा भाई, 30-35 किलो रहेगा। कितनी हाइट लेते हैं सिंधी भाई? मेरे पास एक और है वो 38 हाइट पे अभी है सिंधी, वो तो देना है क्या? वो भी नहीं भाई, वो देने कुर्बानी के लिए नहीं है, यानी कि 38 38 38 40 तक भी जाता है मेरे पास घर पे है, वो भी 38 हाइट पे हो। अच्छा, वो भी इतनी तैयारी के लिए बकरा है भाई। अच्छा, यानी कि 38 तक जाते ही है बकरा? 38 40 जाती भाई हाइट सिंधी। ओके, 20,000 रुपए मांग रहे हैं? जी भाई, कम ज्यादा करके इंशाल्लाह हो जाएगा। इसकी भी 2,500 रुपए ले लेंगे आप? हाँ भाई, इसकी भी 2,500 रुपए लूंगा। ठीक है, अगले बकरे दिखाते हैं। छोटे बकरे भाई, आदन थे, कम वजन के इसके लिए। सोहेल भाई माशाल्लाह काफी बेहतरीन बकरा निकाले भाई। जी भाई,
फुल बफ में जी भाई। भाई बताइए कब से आपके पास? भाई ये आके एक महीना भर हो गया आपके पास। एक महीना हो गया है जी भाई जी। और डिटेल क्या होंगी इसकी? भाई ये दो दांत फ्रेश है। दो दांत फ्रेश है, दिखाइए दांत। अभी आ रहे हैं देखो भाई, पाई भी नहीं निकाल रहे, अभी छोटा यानी है माशाल्लाह जी भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह बाल बहुत बढ़ेगा भाई, ये बाल बढ़ेगा जी भाई। तो आपने सीने पे देखो ना, हां बाल कट किए इसके? नहीं नहीं भाई, वैसे आ रहे शेप में आ रहे बाल इसके भाई। अच्छा शेप में आ रहे ऐसे ही जी। ये प्योर बैंटम बोलेंगे इसको? जी भाई प्योर बैंटम है, और बहुत गर्म है भाई बकरा है। हां उसकी गर्मी दिखाएंगे थोड़ी देर में हम। ये कलर व्हाइट नहीं बोलेंगे ना? नहीं भाई ये क्रीम कलर में बकरा है। क्रीम थोड़ा डाउन ब्राउनिश जी भाई, ब्राउनिश फिनिश में आया। पफ इसका पूरा व्हाइट है, चेहरा व्हाइट है जी, पेट वगैरह पास है ब्राउन कलर में थोड़ा। तो इसकी ब्रीडिंग वगैरह लिया है जो जहाँ से आपने लिए? भाई ये अच्छी ब्लड लाइन का बकरा है। अच्छी ब्लड लाइन का जी भाई। ओके इसकी गर्मी दिखाई थोड़ी सी भाई, जरा देखो ना भाई एक्चुअली क्या मारता है कि क्या करता है? नहीं खेल रहा भाई बकरा ये। अच्छा अच्छा गर्मी दिखा रहा है यानी छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये नहीं रुकता भाई बकरा ये। तो भाई ये क्या पर्पज से लेना चाहिए? भाई ब्रीडिंग के लायक भी अच्छा है बकरा ये, और ऐसा घर में शौक के हिसाब से बकरा अच्छा ही। और एकदम भाई एकदम लिलीपुट साइज में, जीरो साइज में बैंटम ही, काफी शॉर्ट साइज में बोलूंगा मैं माशाल्लाह। और कितना मांग रहे भाई साहब? भाई इसका अपन पर्सनल बताएंगे, पर्सनल बताएंगे। सोहेल भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि सोहेल भाई भी पर्सनल में बोलेंगे। नहीं भाई कैसा अभी ये थोड़ा चीज के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। अपन ने आज तक कोई बकरे का प्राइस पर्सनल में नहीं रखे भाई, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ। तो आज आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। नहीं भाई इतना एक प्राइस रेंज के अंदर देता हूँ मैं, वो तो रीजनेबल में दे देंगे ना। हाँ रीजनेबल में दूंगा, 40,000 के अंदर आ जाएंगे बकरा। अच्छा 40,000 के अंदर आ जाएगा जी, ठीक है। तो जानकर एक अंदाजा बताता दो गाइस, फिर मेरे को भी परेशान ना हो कि इतने में दो उतने में दो जी, ठीक है। आपकी चीज़ मैं उसमें बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, 40,000 रुपये का 40,000 पकड़ के चलो उसके अंदर में दे दूंगा भाई बकरा जी, ठीक है। छोड़ दीजिए इसको, अभी दूसरा बकरा दिखा से। सोहेल भाई ये बड़ा बकरा निकाले अभी आपके? जी भाई ये दो बड़े बकरे बचे हुए जी भाई। ये इसकी बात करते हैं सबसे पहले, ये कभी लाया आपने? भाई ये आके आए पुणे में तो दो महीने से भाई, ये अपने पास आके एक हफ्ता हो गया भाई इनको जी। माशाल्लाह फुल फर्म है जी भाई, फुल लेंथ वाला कश्मीरी अंडू अंडू है भाई, और गर्म बकरा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। पुणे में कश्मीरी का क्रेज काफी बढ़ रहा है जी भाई, है ना। और वैक्सीन वगैरह हुआ इसको? नहीं भाई इसका वैक्सीनेशन वगैरह नहीं हुआ, वगैरह नहीं हुआ। पुणे क्लाइमेट में सेट है भाई, भाई गर्म बकरा एकदम जी, गर्म है जी भाई एकदम, खेलने वाला बकरा है। कीजिए मस्ती कीजिए जरा माशाल्लाह। भाई डिटेल भी बताइए साथ में। भाई आठ दांत फ्रेश है, आठ दांत फ्रेश है, 70-75 केजी बॉडी वेट है जी, और एक नंबर प्लेफुल बकरा है भाई, प्लेफुल बकरा है। और फर की क्वालिटी, रुबाब वगैरह चेहरे का एक नंबर है बकरा। तो ये आपने मेंटेन किया क्या? पहले से मेंटेन था ये? भाई मेंटेन है बकरा पूरा, मेंटेन है जी। हाइट कितनी बोले आपने? भाई इसकी हाइट एक 37-38 हाइट होगी भाई, 37 पकड़ते अपन, 37 पकड़ेंगे तो अच्छा रहता है। हाँ भाई क्योंकि अपन ने हाइट ली नहीं इसकी कभी, ली नहीं है, क्योंकि आप एक इंच कम बोलेंगे ना चलेगा भाई जी। भाई आप 38 बोल देंगे तो 37 निकलेगा तो मतलब नहीं है जी भाई जी। और कितना मांग रहे भाई इसका? भाई इसका पर्सनल में रहेगा, इसका पर्सनल में रहेगा। नहीं भाई बड़े बकरे ना भाई ये जी, बड़े बकरे है। और अक्सर ये लोग भाई लेंगे तो तैयारी के लिए लेंगे क्योंकि ईद नजदीक है, ईद नजदीक है। अभी 3 महीने बचे होंगे ना इसको जी भाई, तो ये भी पढ़ाई पर रखेंगे आप? जी रखूंगा ना भाई। कितना रहेंगे पढ़ाई इसकी? इसकी 3,500 भाई, इसमें पूरे वैक्सीनेशन और जो ट्रीटमेंट वगैरह है इंक्लूड रहेगा सब इसमें जी भाई। और बाल वगैरह ऐसे रखेंगे मेंटेन आप? जी भाई पूरा मेंटेन मिलेंगे बकरा, जैसा अभी जो कंडीशन है बकरा सेम, इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश रहेंगी वो इस कंडीशन में रखने की जी। मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा अगर आपको ये बकरा पसंद आता है तो यहाँ पर आके देखिए जी भाई, वो वीडियो में समझेंगे ना भाई, सामने आके देखो बकरा, वीडियो में समझेंगे भाई बकरा जी भाई। ये समझ रहा नहीं और इतने वेट पे भी उछल रहा है, ये बड़ी बात है। इसमें कुछ नाम रखा है इसका आपने? शमशेर। अच्छा शमशेर नाम रखा है, ठीक है। तो कैसे व्यूअर्स आएंगे तो पूछेंगे ना कि भाई शमशेर कितने में देना है आपको जी भाई, तो वैसा मैं समझ में आ जाएगा जी, ठीक है भाई। ये आखिरी बकरा वो दिखा देते हैं जी। सोहेल भाई ये आखिरी बकरा झूठ होगा जी भाई, इसका क्या नाम रखा आपने? भाई इसको हम भालू बोलते हैं, भालू जी भाई। अभी आप बोलेंगे इसके बाल बड़े इसके लिए भालू बोलते हैं? नहीं भाई इसका जो फर्नेस आया ना, फर्नेस बहुत माशाल्लाह भाई इसका जी। और भाई देख रहा हूँ मैं इसका जो चेहरा है ना, गर्दन वैसे प्रॉपर दिख रही नहीं है ना, क्या लंबी गर्दन वाला नहीं है ये? जी भाई एकदम फर वाला बकरा है, फर वाला बकरा है। और रुआबदार चेहरा है माशाल्लाह, चेहरा बोल दीजिए भाई इसका माशाल्लाह। ये सिर्फ ब्लैक स्किन में आ गया है ना
हाँ भाई गुलाबी होता था तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन दिखता था। और भाई ये जो ब्लैक स्किन में भी आया अपन, इसके जो आया है ना इसका कलर वगैरह बाल वगैरह की क्वालिटी इसकी जी बहुत माशाल्लाह है भाई। हाँ भाई आपकी मेहनत है, आपने मेंटेन भी रखा ना उतना वो हिसाब जी भाई। ये भी साथ में आया है उसके? जी भाई साथ में आया। इसका भी वैक्सीन नहीं किया आपने? जी नहीं भाई। ठीक है बताइए रेटर क्या है भाई? ये भी 8-10 फ्रेश है। 8-10 फ्रेश है। ये भी एक 70-75 रहेगा बॉडी वेट। अच्छा उतना होना चाहिए ना जी भाई। लेंथ वगैरह बहुत अच्छी भाई इसकी, देखो ना भाई काफी अच्छी भाई। माशाल्लाह हाइट कितनी होगी? कम हाइट है ना इसकी? हाँ ये 36 रहेगा भाई। 36 रहना चाहिए जी भाई। ओके थोड़ा मस्ती करता है ये भी? नहीं भाई ये मस्ती नहीं, शांत है, बकरों के साथ में गर्मी ज्यादा भाई इसकी। अच्छा ये केला कान में है ना? जी भाई। और पहले के कान खुले हुए? जी भाई। बकरे जी इसका कितना मांग रहे हो भाई? ये भी पर्सनल में रहेगा। थोड़ा चला के लाइए जरा घुमाइए। तो ये जो कश्मीरी होते हैं ये इनका कुछ रेंज है ऐसा कुछ? ये रेंज के अंदर आएंगे कुछ बता सकते हैं? नहीं भाई ये नहीं बताऊंगा। ये नहीं बताएंगे आप? नहीं। कैसा भाई मैं लास्ट टाइम भी बोला था मेरे को तहरीक के लाइक के बकरे भाई ये। हाँ। इंशाल्लाह ये बकरे अभी नहीं इसके बाद में समझेंगे भाई ये इसके टाइम पे। मगर ये 8-10 तो लगा दिए ना 16 अभी? हाँ लगा दिए भाई, पर अभी जो इनका मेन अभी जो इनको भरना बचा है। हाँ। तो जंगल में जो आते बकरे वहां से इनको दाना पानी वगैरह नहीं रहता है, चर के बनते बकरे भाई। ओके, ओके। अपने पास आएंगे अपन दाना पानी वगैरह देंगे, केयरटेकिंग सीरीज होंगी तो बकरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह अपने अच्छे तैयार होते हैं जी। ठीक है भाई इसका मैं आर्ग्यूमेंट नहीं करूंगा मैं आपको जी भाई। तो ये आ जाएगा ना हिसाब किताब में? हिसाब किताब में देंगे भाई सब बकरे। ओके ठीक है। तो आपका तो रहता है हमेशा माशाल्लाह शौक कराते हैं आप लोगों का जी भाई। ठीक है तो यहाँ पर अगर किसी को आना है तो लैंडमार्क के नजदीक भाई दरबार बेकरी। दरबार बेकरी यरोड़ा, पुणे यरोड़ा दरबार बेकरी के पास जी भाई। और आपका माशाल्लाह यहाँ पे फार्म भी अभी ओपन हो रहा है कुछ समय में इंशाल्लाह गोट फार्म जी भाई। ठीक है मैं आपका नंबर दे दूंगा स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आके यहाँ का लोकेशन भी दे दूंगा जी भाई। जो भी भाई लेने में इंटरेस्ट है जरूर आपको कॉल करेंगे। ठीक है चलिए नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।